are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। इंडिया क्रिप्टो इंडस्ट्री गवर्नमेंट आरबीआई ने यूपीआई एक्सेस को रिज्यूम करने का रिक्वेस्ट करता है। बायनेंस कोकोस बीसीएक्स टोकन स्वैप का सपोर्ट करेगा। एफटीएक्स यूनिट सेंबिट शेयर होल्डर्स पर ट्रायल कर दिया $6.9 मिलियन फिर से अगेन करना चाहती है। बैंकरप्सी से पहले किए गए $220 मिलियन डील पर एफटीएक्स लीडरशिप ने सैम बैंकमैनफ्राइड पर मुकदमा दर्ज किया। आईसीओ दिनों से 4032 ETH होल्ड करने वाली इनएक्टिव इथेरियम व्हेल्स एक्टिव हो गई। पाकिस्तान क्रिप्टोकरेंसी से रिलेटेड ऑनलाइन सर्विसेज पर सैंक्शंस लगाए। इलिनॉर टेरेट और सिक्योरिटी के रूप में फाइलकॉइन ने SEC के क्लासिफिकेशंस पर हमला किया। फाइनल वार्निंग म्यूजिक सिंगापुर वेब3 गेमिंग को बदलने के लिए यूनाइटेड हुए। लेयर जीरो एंड यूनिफाई में $15 मिलियन बग बाउंटी को अनवील किया। बैलेंस ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलियन डॉलर बैंक ट्रांसफर को रोक दिया। पीप थीम बिटकॉइन फ्रॉग्स बिटकॉइन ऑर्डिनल्स हाइप के बीच सबसे अधिक ट्रेडेड NFT बन गया। मूनबीम पैराचेन पर यूनिस्वैप आईज डिप्लॉयमेंट। इंडियन क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री की गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्रिप्टोकरेंसी से रिलेटेड सर्विसेज एंड एक्टिविटीज के लिए पॉपुलर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस तक अपनी एक्सेस रीस्टोर करने के लिए पिटिशन दर्ज की है। बाइनेंस कोकोस BCX टोकन स्वैप एंड कॉम्बो की रीब्रांडिंग प्लान का सपोर्ट करेगा। बाइनेंस फ्यूचर्स USDT मार्जिन कोकोस परपेटुअल्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए ट्रेडिंग को सस्पेंड कर देगा। अलमेरा रिसर्च एंड वेस्ट रियलिंग शायरे द बैंकरप्ट FTX एम्पायर को दो विंग्स एम्ड फाइनेंशियल शेयर होल्डर से $6.9 मिलियन वापस लेने की मांग कर रहे हैं। एक ब्रोकर डीलर जिसे सैम बैंकमैनफ्राइड ने FTX फंड का यूज करके हासिल किया था। 17 मई को फाइलिंग के अनुसार प्लेटफॉर्म पर एलिजिबिलिटी लगभग कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं करने के बाद FTX अपनी यूनाइटेड स्टेट सब्सिडरी के माध्यम से एम के एक्विजिशंस करने की $220 मिलियन का पेमेंट किया था। 2 साल से अधिक की इनएक्टिविटी के बाद इथेरियम वेल ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाकर 4032 ETH को क्लेम पर लगाकर रिमार्केबल कमबैक की है। इथेरियम वेल ने 2015 के ETH मेन नेट के प्रोड्यूस में 60,000 ETH रिसीव किया। पाकिस्तानी द्वारा किए गए सिग्निफिकेंट डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट के बावजूद पाकिस्तान की अथॉरिटी सभी इंटरनेट बेस्ड क्रिप्टो सर्विसेज को रिस्ट्रिक्ट करने का इरादा रखते हैं। ये फैसला तब आया कि जब इस्लामाबाद में गवर्नमेंट ऑफिशियली बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी के लीगलाइजेशन के खिलाफ टफ स्टैंड अपना रहे हैं। 17 मई को लीडिंग क्रिप्टो एसेट मैनेजर ग्रे स्केल की घोषणा की कि SEC के रेगुलेटर की आइडिया के कारण SEC के कंपनी को फाइलकॉइन ट्रस्ट के लिए अपना एप्लीकेशन वापस लेने का ऑर्डर किया। ट्रस्ट की अंडरलाइन एसेट FIL फेडरल के तहत सिक्योरिटी की डेफिनेशंस को पूरा करती है। एक रिमार्केबल कॉर्पोरेशन में सिंगापुर बेस्ड वेब3 कंपनी FN ने आर्टिस्ट एंड गेमिंग के लिए एंथुसियास्ट लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज का पता लगाने के लिए वार्नर म्यूजिक सिंगापुर के साथ पार्टनरशिप की है। इस अलायंस का ऑब्जेक्टिव क्रिएटर्स को वेब3 गेमिंग की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करना और सभी पार्टिसिपेंट्स को स्पेसिफिक पहले से अनटच एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है।